आज मेरे पास एक ऐसा डिवाइस है जो आपको चौंका देगा क्योंकि ये डिवाइस यूज करके आप किसी भी तरह के लैपटॉप को फोन को विद इन अ सेकेंड्स हैक कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो ये डिवाइस है ठीक है ये यूएसबी कनेक्टर है ये मैंने इसको अरे उल्टा करना भाई ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया कुछ नहीं कर रहा हूँ जस्ट सी दिस डिवाइस वॉट इट डज़ ये ओपन हो गया इसने लीड कर लिया एंड नाउ जस्सी ओके ये ऑटोमेटिकली विद इन सेकेंड्स यहाँ पे जो भी कमेंट आप इसमें डालेंगे वो इस लैपटॉप पे बिना कोई रुकावट रन कर देगा अब यहाँ पे हमारा चैनल जो है वो ओपन हो चुका है यहाँ पे आप देख रहे से देख सकते हैं ट्वेंटी एट के ऑलरेडी हो चुके हैं और हमारे जो गोल है थर्टी के सब्सक्राइबर्स का वो बहुत ही नज़दीक है तो जल्दी जा सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पर इस सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसके बाद आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे क्योंकि आपके लिए मैं यहाँ पे बहुत सारे बहुत सारे ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ चाहे वो हो गया एथिकल हैकिंग या फिर इस तरह के डिवाइसेस के बारे में इसका डिवाइस लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा एंड मेक श्योर कि यार यहाँ पर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपके लिए इस तरह के वीडियोज़ में लाता रहता हूँ और क्या कहें इसके बारे में तो भाई चलो यार देख लेते हैं कि ये डिवाइस जो है ये कैसे आप इसको सेटअप कर सकते हैं एक्चुअली एक हैकिंग डिवाइस बिल्कुल है ही नहीं ये डिवाइस रेसबेरी पीको है ओके okay? रेसबेरी पाई पीको है ओके okay? और इसको हम बहुत अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं तो इसके अलावा हमारे पास एक और डिवाइस है इसका नाम है रोबो डिजिस पार्क से है ये ओके okay? इसका फुल नाम मैं तो भूल ही चुका हूँ ये भी एक छोटा सा डिवाइस है यूएसबी टाइप जैसा दिखता है इसको भी हम इसी तरह किसी भी तरह कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके बारे में ओके okay. इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लेकिन ये नॉर्मली ज़्यादा सम ज़्यादा लैपटॉप्स पे काम नहीं करता फॉर एग्जांपल मेरे खुद के लैपटॉप में मैंने यहाँ पे ट्राई किया है इसको और ये ज़्यादा इतना काम इसने किया नहीं हो और पता नहीं क्यों यार मतलब कि मैंने अपने मैकबुक में भी ट्राई किया इसको कनेक्ट करने पर एंड आई ट्राइड इन माई लैपटॉप टू बट ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो इसीलिए लाइक like, इसका भी प्राइस अराउंड आपको 300 हंड्रेड टू फोर मिल जाएगा इसका भी प्राइस आपको अराउंड 400 मिल जाएगा बहुत ही चीप है डिस्क्रिप्शन से आप इसको आराम से बाय कर सकते हैं बहुत ही चीप है ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है नहीं लेकिन ये जो डिवाइस है हंड्रेड परसेंट काम करेगा ये तो मैं गारंटी के साथ आपको देख सकता हूँ बट यहाँ पे आपको एक केबल चाहिए बस डेटा केबल ओके okay? यहाँ पे मेरे पास एक और केबल है ठीक है ये केबल जो है इसने काम नहीं किया क्योंकि ये डेटा केबल नहीं है सिर्फ चार्जिंग केबल है तो अगर आप इस तरह के केबल से कनेक्ट करेंगे तो बिल्कुल कनेक्ट नहीं होगा एंड आपको इसी तरह का के एक केबल चाहिए ओके okay? यूज़ करने के लिए क्योंकि ये केबल डेटा केबल है वो केबल चार्जिंग केबल है नॉर्मली मैं आपको बता दिया ठीक है तो अगर मैं टेक्निकली बात करूं रबर डकी डकी के बारे में तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो मिमिक्री करता है ह्यूमन इंटरफेसिस डिवाइसेस से चाहे वो हो गया कीबोर्ड माउस उसे हम कहते हैं ह्यूमन इंटरफेसिस डिवाइसेस जिससे यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर उस, उसके साथ बात कर सकते हैं उसके साथ इंटरफेस कर सकते हैं सो दिस डिवाइस विल बी एक्टिंग एज अ कीबोर्ड और ये कीबोर्ड जो है इट कैन एग्जीक्यूट कोड्स

वेरी डेंजरस मैं बता सकता हूँ यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते किसी के साथ तो चलो भाई यहाँ पे हम जल्दी से इसको देखते हैं कि कैसे आप इसको सेटअप कर सकते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ करना है नहीं डिस्क्रिप्शन पे मैंने एक पिको डकी का लिंक दिया है गिटप का लिंक है वो वहाँ पे आप चले जाइए और कुछ नहीं करना सिर्फ वहाँ पर जाइए और इसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन मैं दे रहा हूँ वहाँ पर आपको क्लियरली फॉलो करना है कुछ भी अपने तरीके से करने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि उसके बाद शायद ये काम ना करें तो यहाँ पे हम आ चुके हैं ये गिटहब लिंक है आप देख सकते हैं ठीक है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पिकोडा की इट्स बाय डिब्यू शो ओके तो इन्होंने ये जो स्क्रिप्ट है लिखा है पूरा तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है एट इंस्ट्रक्शन से अगर आप ये एट इंस्ट्रक्शन करेक्टली फॉलो करेंगे देन दिस विल कन्वर्ट इन टू अ बैड यू एस बी मतलब कि रबर डकी USB आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे आपको इस लिंक पे जाना है यहाँ पे मैंने ओपन करके रख लिया है इसको डाउनलोड करना है मैंने ऑनली डाउन करके रख लिया है एंड उसके बाद आपको जो डिवाइस है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक क्या कह सकते हैं बटन रीसे रीबूट बटन इसको आप प्रेस करके कनेक्ट करना है अपने लैपटॉप के साथ एंड उसके बाद ये जो है एक बूटेबल पेनड्राइव की तरह बूट लोड uh, हो जाएगा यहाँ पे। दैन यू नीट टू जस्ट कॉपी दिस डॉट यू एफ टू फाइल अगर आप यहाँ पर डाउन करेंगे डॉट यू एफ टू फाइल इसको आपको सिर्फ कॉपी करना है अगर मैं यहाँ पे अपने डाउनलोड्स में जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ गया हमारा डॉट यू यू पी फाइल लगता है मैंने डाउनलोड ही नहीं किया है वाह भाई ओके जस्ट वेट फॉर इट्स डाउनलोड एंड शो इन फोल्डर यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है आपको बस इसे कट करना है नए रेसबेरी पाई कर इस पर जाना है इस यहाँ पर आपको सिम्पली पेस्ट कर देना है एंड इसको पेस्ट करने के बाद इट विल लोड एज अ सर्किट पाइथन ओके एंड यहाँ पे लोड होने वाला है ये एंड ये लोड हो चुका है एंड नाउ दिस इज़ अ सर्किट पाइथन दिस इज़ नॉट पीको अब हमें क्या करना है देखते हैं कि यार यहाँ पे आपको जाना है इस लिंक पे यहाँ पे आपको एक लिंक दिया गया है यहाँ पे जाने के बाद आपको डाउनलोड करना है एडाबी फ्रूट सर्किट पाइथन बंडल सेवन डॉट एक्स ये फाइल ही डाउन कीजिए बाकी सब फाइल कोई भी डाउनलोड कीजिए सेवन डॉट एक्स को डाउनलोड करना है जस्ट क्लिक दिस एंड इट विल डाउनलोड ओके ओके तो इसके बाद आपको इसे सिर्फ यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है एक्सट्रैक्ट हियर एंड यस टू ऑल मैंने ऑलरेडी लगता है पहले एक्सट्रैक्ट कर रखा है क्या इसे hmm. ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है मुझे लगता है देन जस्ट ओपन दिस लिब फोल्डर गो टू लाइब्रेरी एंड यू नीड टू सर्च फॉर दिस फोल्डर ओके यहाँ पे आप जाएंगे देन यहाँ पे इसने इन्होंने कहा है कि आव टू सर्च फॉर अडाबी फ्रूट एच आई डी विच इज अयूमन इंटरफेस डिज फुल फॉर्म ओके जस्ट गो टू go to this library search for hid कहाँ गया भाई हेच आई डी कॉपी दिस और इस बंदे के लाइब्रेरी में हम चल चले जाते हैं और इट विल विल पेस्ट इट हियर एंड आफ्टर पेस्टिंग दिस नाउ दिस डिवाइस हैज बिकम एन ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस मतलब कि ये एक कीबोर्ड बन चुका है अकॉर्डिंग टू दी माय कंप्यूटर ओके नेक्स्ट हमें क्या करना है वी नीड टू गो टू दिस कोड डॉट पाई डोंट फॉलो दिस सिक्स स्टेप समटाइम इट नॉट वर्क ओके आपको कुछ नहीं करना गो हीयर यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लीजिए डाउनलोड जिप ओके एंड डाउनलोड जिप करने के बाद यहाँ पे आप इसको शो इन फोल्डर कीजिए इसको आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए एक्सट्रैक्ट करने के बाद यू विल गेट समथिंग लाइक दिस वन पॉइंट सिक्स पॉइंट नॉन और दिसन या डकी मेन यहाँ पे आपको ये दिखेगा जस्ट कॉपी दिस डकी इन पाइथॉन कोड एंड गोथ योर सर्किट पाइथॉन पेस्ट इट ये एंड ये जो कोकोड कोड फाइल है इसको आप डिलीट कर दीजिए एंड uh, इसको आप rename, rename कर दीजिए uh, code, okay, rename it to code, तो ये rename हो चुका है इसके बाद सिर्फ एक ही स्टेप बचता है कि हमें एक किसी भी तरह के payload को क्रिएट करना है एंड वी जस्ट नीड टू सेंड इट टू अबर डकी ओके सॉरी पीको डी तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेवन पॉइंट पे फाइंड स्क्रिप्ट हियर अगर आप यहाँ पे जाएंगे यू विल फाइंड हेल लॉड ऑफ स्क्रिप्ट यहाँ पे विंडोज सेवन के लिए विंडोज टेन के लिए क्या क्या स्क्रिप्ट है वाईफाई क्रिडेंशियल स्टेलिंग वाईफाई ग्रैबर है नेट कैप रिवर्स शेल स्क्रिप्ट है यहाँ पे आप नेट कैप रिवर्स शेल करवा सकते हैं यहाँ पे मैं इसके ऊपर भी वीडियो जल्द बनाने वाला हूँ नेट कैप के बारे में तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन जस्ट सब्सक्राइब द चैनल क्योंकि आपके लिए बहुत सारे वीडियोज मिलाने वाला हूँ डिसेबल विंडो डिफेंडर क्रोम पासवर्ड स्टीलर मतलब कि आपके क्रोम में किसी भी किसी भी तरह के पासवर्ड्स हैं फेसबुक इंस्टाग्राम सब पासवर्ड जो है ये चुरा सकता है यहाँ पे डिस्कॉट टोकन ग्रापर बहुत सारे बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट हैं यहाँ पे सिर्फ विंडोज स्टेंट के लिए ओ एक्स एक्स के लिए भी यहाँ पे स्क्रिप्ट हैं और यहाँ पे मैं बहुत ही जल्दी एक रूट्यूब रोलर स्क्रिप्ट यहाँ पे बहुत ही सिंपल रोलर स्क्रिप्ट ले लेता हूँ आई विल जस्ट सिंपली कॉपी दिस आई विल जस्ट गो टू दिस कहा गया भाई सर्किट पाइथॉन हमारा सर्किट पाइथॉन पे यहाँ पे मैं एक न्यू uh, क्या कह सकते हैं टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ ओके एंड आई विल जस्ट ओपन दिस एज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आई विल पेस्ट इट हियर मैं अपने यूट्यूब चैनल पे चला जाता हूँ एंड सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ओके okay? uh, ये है हमारा यूट्यूब चैनल जस्ट कॉपी दिस लिंक ओके कॉपी कर लिया है ना भाई कॉपी कर लिया गो हियर Go to my... गो टू माई यहाँ पे जाके स्क्रीन के बदले जस्ट पेस्ट माई यूट्यूब चैनल यू हैव टू सेव एज ओके क्योंकि यहाँ पे बाद में ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट पर स्क्रिप्ट कर देगा एंड यू हैव टू सेव इट एज अ पे लो डॉट डी डी फाइल पे लो डॉट डी डी फाइल एंड सेव इट यंड इसके बाद सेव करने के बाद इट विल जस्ट एग्जीक्यूट दमेंट ओके अगर ये यह...

एनी लैपटॉप एनी डिवाइस इट विल जस्ट एग्जीक्यूट द कमैंड वॉट यू हैव जो आपने स्क्रिप्ट में ये लिखा है तो यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है बहुत सारे ऐसे स्क्रिप्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके वेबसाइट पर जाइए इन सारे लिंक इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहाँ पर अब जाके आराम से बाई कर सकते हैं ओनली फोर हंड्रेड रुपीस का है बहुत ही चीप है अगर आप कंपेयर करेंगे एक एक्चुअल रबर डी से जो आठ हज़ार का मिलता है ये उससे बहुत ही चीप है एंड उतना ही पावरफुल है बस फर्क ये है कि यार ये थोड़ा सस्पिशियस दिखता है लेकिन काम तो सेम ही करता है ओके एंड एक और बार देख लेते हैं कि यार कैसे ये एग्जीक्यूट करता है कमेंड आई विल जस्ट प्लग दिस इन वेट फॉर सम टाइम एंड माय हैंड्स आर अप वेट फॉर थ्री सेकेंड्स एंड इट जस्ट एग्जीक्यूटेड हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो ऑन हो चुका है यहाँ पे आप ये फुल स्क्रीन पे भी चला गया ओके <laughs> तो यहाँ पे आप इस स्क्रिप्ट को अपने दोस्तों को के लैपटॉप के डाल के हमारे यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करवा सकते हैं यहाँ पे तो आज का वीडियो इतना ही भाई मिलता हूँ सबसे अगले वीडियो में अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि भाई आपने एंड तक देखा इस वीडियो को मिलता हूँ सबसे अगले वीडियो में तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग कीप लर्निंग